नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रेम और एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक राजस्थानी भजनों का स्केल। उस स्केल में अपने को दोहा कैसे गाना है, एक राग दोहे की, जो देसी दोहे गाने की जो राग है वो मैं बताऊंगा। और जो स्केल रहेगा वो रहेगा सा कोमल गा मा पा कोमल नी और सा। ये एक राजस्थानी भजनों का स्केल मैंने बताया। तो उस स्केल में अपने को जो भजन है वो किस तरीके से गाना है, तो मैं इसको तीसरी काली से गाऊंगा। आपको उस जो ये दोहा है, सॉरी, जो दोहा गाना है वो कैसे गाना है, तो उस दोहे की जो राग है वो जो तर्ज है वो आप थोड़ा याद करने की कोशिश करें और उसको देसी अंदाज में गाने का प्रयास करें, तो बिल्कुल आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इसको तीसरी काली से गाऊंगा। तो यहाँ से जो स्केल लगाऊंगा वो लगाऊंगा सा कोमल गा मा पा कोमल नी सा, ये वाला इसके लिए। इधर मंदिर में भी कोमल नहीं लगा रहा हूं और ये पा लगा रहा हूं, ये ऊपर का सा नी पा मा कोमल गा, ये जो नी लग रहा कोमल नहीं लग रहा, ध्यान देना। तो स्केल हो गया सा कोमल गा मा पा कोमल नी सा। अब दोस्तों, यहां से मैं एक दो दोहे आपको गा के बताता हूं, उसके बाद में इसको आसानी से अपन सीखेंगे। सतगुरु के दरबार में नर जइयो बार मिवार, अरे भूली वस तू बतावसी, ए मेरे सतगुरु ए दाता। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, अरे जू जू पगया गादरे, ए भाई त्यों त्यों यज्ञ समान। तरीके से ये जो देसी दोहा है गाने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, शुरुआत कहाँ से हो रही, देखो माँ से, यहाँ से, ये देखो। सतगुरु के दरबार में अब देखो नहीं लगेगा डायरेक्ट, सतगुरु के दरबार में नर जइयो नर जइयो बारम बार, वापिस वहीं से, अरे भूली वस तू बतावसी, ए मेरे सत्य गुरु है दातार। सत्य गुरु है दाता, हे मेरे सत्य गुरु है दाता। तो दोस्तों, इसको आपको अपने स्केल के अंदर फॉलो करना, जिस स्केल में आप गाते हैं उस स्केल में आपको देखना है। तो उस स्केल में आपको ये जो मैं स्केल बता रहा हूँ उसको आपको बजा के प्रैक्टिस करना, फिर ये जो दो है गाने का प्रैक्टिस करना। वापिस देखेंगे, Thank you.
यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। समय समय की बात है, अब नहीं लगेगा। और इस समय समय परी हो सा पे आ गई वापिस, अब वापिस पा पे जाएगा। देखो अरे कई समय का, अरे कई समय का दिन बड़ा, ए भाई कई समय की रात, अरे कई समय का दिन बड़ा, ए भाई कई समय की रात। इस तरीके से बहुत सारे दोहे इसी राग में आप गा सकते हो। तो इस स्केल को आप प्रत्येक बटन से बजाने की कोशिश करें। जैसे मैंने इसको तीसरी काली से बजाया, तो ये से बजाइए। अब मान लो 3.5 से बजाना, तो देखो ये 3.5 हो गया। चौथी काली से देख लो, ये चौथी काली 4.5 देख लो, तो ये यहां से हो गया। अब मान लो 5वीं काली से देखना, तो देखो का जो फर्क है वो अपने को देखना पड़ेगा, और उसके बाद में समझना पड़ेगा कि सुर का जो उतार चढ़ाव है उसको देखें आप। प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है।